वह एक लड़की के कहने पर मुझे गाली दे रहा था। तुम्हारे कहने पर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। किसके कहने पर तुमने यहाँ गाड़ी पार्क की? तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलें जिसमें आता है किसी के कहने पर। तो इसके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से यूज करेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस पूरा बोलेंगे, उसके अंत में यूज करेंगे एट द बिहेस्ट ऑफ, और उसके बाद यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट को। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा। एट द बिहेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी के कहने पर। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह एक लड़की के कहने पर मुझे गाली दे रहा था। तो सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस, वह गाली दे रहा था, ही वॉज अब्यूजिंग मी। अब किसके कहने पर? तो एट द बिहेस्ट ऑफ अ गर्ल, एक लड़की के कहने पर। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ही वॉज अब्यूजिंग मी एट द बिहेस्ट ऑफ अ गर्ल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम्हारे कहने पर मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश एट द बिहेस्ट ऑफ यू, आपके कहने पर। आई टीच इंग्लिश एट द बिहेस्ट ऑफ यू। एक और एग्जाम्पल, जैसे किसके कहने पर तुमने यहाँ गाड़ी पार्क की? तो सबसे पहले बोलेंगे एट हुज बिहेस्ट, किसके कहने पर। एट हुज बिहेस्ट डिड यू पार्क योर कार हेयर, एट हुज बिहेस्ट डिड यू पार्क योर कार हेयर। एक एग्जाम्पल आपके लिए, किसके कहने पर तुम इतना ज़्यादा बोल रहे हो? तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।